हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग की। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पैरामीटर पासिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर पासिंग। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर पासिंग। तो पैरामीटर पासिंग बेसिकली क्या होता है और इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पैरामीटर पासिंग के बारे में ये बोला जाता है कि फंक्शन के बीच में जब भी हमारा डेटा पास हो रहा है, इट मींस फंक्शंस के बीच में डेटा की पासिंग को हम पैरामीटर पासिंग कहते हैं। सो जो पैरामीटर पासिंग जब दो फंक्शंस के बीच में होगी तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी डन थ्रू फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटर पासिंग क्या होती है, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट पैरामीटर पासिंग यानी कि जो हमारे पासिंग मेथड्स हैं, देयर आर फोर मेथड्स एज यू कैन सी इन दिस डॉक्यूमेंट। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू विद रिजल्ट्स, एंड लास्ट में जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा कॉल बाय नेम। तो पहली डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि फंक्शन के बीच में डेटा की पासिंग को पैरामीटर पासिंग कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। फर्स्ट इज आवर फॉर्मल पैरामीटर्स एंड सेकेंड इज एक्चुअल पैरामीटर्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल थ्रू दिस सेक्शन। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ए एंड फंक्शन बी। तो यहाँ पर अगर फंक्शन ए कॉल करेगा फंक्शन बी को, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ए एंड फंक्शन बी को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहा है। अगर फंक्शन ए फंक्शन बी को अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ए को हम एज अ पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स हम कह सकते हैं। लाइक फंक्शन ए लाइक ट्रीटेड एज अ विल बी ट्रीटेड एज अ कॉलर, कॉलर फंक्शन, और जो रिसीव कर रहा है डेटा वो होगा हमारा एज अ कॉली। तो ये बेसिकली फंक्शन ए के पैरामीटर्स कहलाएंगे एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड फंक्शन बी के पैरामीटर्स को हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर एक्चुअल और फॉर्मल आपको पता लग गया। फंक्शन ए के थ्रू जो भी डेटा जाएगा तो वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर हो गया, और जो भी डेटा हमारा फंक्शन बी तक रिसीव हुआ है वो हमारे हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। सो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स जो हमारे ये फिर फोर टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि पैरामीटर पासिंग यानी कि जो पासिंग मेथड होते हैं हमारे पास चार, वो हमारे पास फोर टाइप्स के पैरामीटर पासिंग मेथड चार होते हैं, वैल्यू रेफरेंस, वैल्यू विद रिजल्ट एंड नेम। समटाइम्स हम ये कह देते हैं कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का जो डिस्कशन है इन चारों टॉपिक्स पर ही होता है, और ये चारों टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन। इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन एनी गेट और यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सो यू जस्ट प्रिपेयर ऑल दीज कॉन्सेप्ट। सो अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि हमारा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू विद रिजल्ट्स एंड कॉल बाय नेम। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। इन दिस सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल बाय वैल्यू। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सपोज मेरे पास कॉल बाय वैल्यू है, कुछ एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। लाइक डिफाइंड एज अ ए एंड बी, ए एंड बी आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड आफ्टर द अनदर थिंग एक्स एंड वाई, दोज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मेरी सेव है, 11, 12 एंड 14 एंड 18। तो मैंने यहाँ पर उन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन भी करा है। लाइक ये दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉल बाय वैल्यू। This is the simplest method of parameter passing. Second, the operation performed on formal parameters do not change the value of an actual parameters. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो कनेक्टिविटी है हमारी, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, बट हम कह सकते हैं कि इसमें जब भी फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंज होंगे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स पर। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सी, सी प्लस प्लस एंड पास्कल। सो दीज लैंग्वेजेस अप्रोच ऑल दिस काइंड ऑफ कॉल बाय वैल्यू। सो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में इफ़ फॉर्मल पैरामीटर्स चेंज द वैल्यू, देन द एक्चुअल पैरामीटर्स में वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एंड दीज आर द फीचर्स एज यू कैन सी ऑल दिस फीचर्स। सो कॉल बाय वैल्यू में यही डिफरेंस है कि जब भी डेटा हमारा फंक्शन के बीच में जाएगा तो फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस हो जाएंगे, बट उसका रिफ्लेक्शन जो है एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज एनी काइंड ऑफ वैल्यू। सो ये तो हम अभी एक्चुअली कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर नेक्स्ट वीडियो, आफ्टर दैट, आफ्टर दिस वीडियो आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस।
सो कॉल बाय रेफरेंस बेसिकली क्या है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉल बाय एड्रेस, वी कैन से कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय लोकेशन. तो हम कॉल बाय रेफरेंस को हम कॉल बाय एड्रेस भी बोल देते हैं और कॉल बाय लोकेशन भी हम इसको कह देते हैं. सेकेंड पॉइंट, वी कैन से द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी चेंज, यानी कि अगर हम कॉल एक्चुअल पैरामीटर्स के डेटा हम फॉर्मल पैरामीटर्स पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन हमारा कॉल बाय रेफरेंस पर पड़ेगा. बट ये रिफ्लेक्शन किसके बेस पर पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्शन हमारे पर्टिकुलर एड्रेस के बेस पर पड़ेगा जो मेमोरी एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू को फोकस ना करते हुए ये कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस. अगर हमें कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 11 12 मेरी वैल्यूज़ थी, जब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर सेंड करी फॉर्मल पैरामीटर्स पर, तो उसके बाद ये 11 12 हुआ. आफ्टर दैट जब भी मैं कुछ भी चेंज करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पर चेंज कराया 13 एंड 16, तो अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेसेस, एक्स का एड्रेस एंड वाई का मेमोरी एड्रेस 0001 एंड 0002, उसके बेस पर क्या होगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा एड्रेस को, और इसके बेस पर ही हमारा 13 और 16 हमारा आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द वैल्यू विल बी ए इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 16. सो ये एक्चुअल ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. सो वी कैन से देर इज़ अ इनडायरेक्टली एक्सेस यूजिंग पॉइंटर. तो यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, वी कैन इनडायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं यूजिंग थ्रू द पॉइंटर. आप सबको पता है कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेफरेंसेस के बेस पर ये हमारा कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इन कॉल बाय रेफरेंसेज वी डायरेक्टली मॉडिफाई द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू बाय द रेफरेंसेज. सो आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा. सो मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल बाय वैल्यू. सो व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू एज अ रिजल्ट. सो वी कैन से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल प्रोसीजर द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड अंटिल अनलेस, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हमारा किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता वैल्यूज़ में. तो ये एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर, कि जब तक हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो जाता, तब तक हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो सेम एज कॉल बाय रेफरेंस वी कैन से, बट लिटिल बिट डिफरेंस मीन्स इसमें एक्चुअल पैरामीटर्स में मॉडिफिकेशन वैल्यू तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक हम प्रोग्राम में फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता. तो हम इसका एक अलग पार्ट में ये कह देते हैं कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन होना, कम्प्लीटली एग्जीक्यूशन. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंसेस वर्सेस कॉल बाय वैल्यू. एंड लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉल बाय नेम. कॉल बाय नेम में क्या है हमारा, दिस इज द वेरी लेस पॉपुलर मेथड फॉर ऑफ पैरामीटर पासिंग. एंड द सेकेंड इज, फॉर्मल पैरामीटर इज रिप्लेस बाय एक्चुअल पैरामीटर्स. तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स है वहाँ वहाँ पर हम एक्चुअल पैरामीटर्स को रिप्लेस कर देते हैं. लाइक दिस, एज यू कैन सी दिस वन, ए एंड बी एक्चुअल पैरामीटर्स एंड एक्स एंड वाई फॉर्मल पैरामीटर्स. सो इट इज़ सेम एज कॉल बाय वैल्यू, बट हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. वहाँ पर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, दैट इज़ कॉल बाय नेम. तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर फीचर्स. तो एक बार इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं. कॉल बाय वैल्यू बेसिकली हेयर वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स विल बी कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स एंड देयर टू डिफरेंट पैरामीटर्स स्टोर अ वैल्यू इन डिफरेंट लोकेशन. यानी कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है वो चेंज होता है. जो हमारा एड्रेस हो सकता है लोकेशन, इट विल बी डिफरेंट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द कॉल बाय रेफरेंस. वी कैन से there is a call by reference is the actual referencing. Basically, it provides the referencing, and here both actual and formal parameters refers to some memory location. तो यहाँ पर actual और formal parameters जो हैं एक memory location को support करते हैं. Therefore, any changes made to the formal parameters will get reflected to actual parameters. So एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं ऊपर. तो ये मैं conclude कर रहा हूँ दोनों को. आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पर. तो कॉल बाय वैल्यू में यही होता है कि ये सपोर्ट करता है मेमोरी लोकेशन का, इसमें वैल्यूज़ का इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है. डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस को फोकस करेगा, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है. तो वी सिंपली पासिंग द एड्रेस ऑफ दीज वेरिएबल इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज. दिस इज द मेन पॉइंट.
यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर ये एड्रेस को पास करता है इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज़। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज़ वी कैन पास द एड्रेस, सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो अब लास्ट थर्ड वन इज़ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू विद रिजल्ट, आपको ये पता लग गया। एंड लास्ट इज़ कॉल बाय नेम, कॉल बाय नेम में हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू विद रिजल्ट में हमारा जब तक एग्जीक्यूशन, फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के थ्रू आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू विद रिजल्ट एंड कॉल बाय नेम जैसे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स है वो बताऊँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।